नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टीन टाइटंस के बारे में। जैसा कि आपको इसके नाम से समझ आ गया होगा कि इस टीम के सभी मेंबर्स टीनेजर्स यानी बच्चे हैं, और इस टीम के ज्यादातर मेंबर्स मेन जस्टिस लीग सुपर हीरोज जैसे सुपरमैन, बैटमैन और वंडर वुमन के साइड किक्स भी रह चुके हैं। टीन टाइटंस जेन्युइनली हिट हुई 1980s में, जिसे लिखा था मार्क वुल्फमैन और आर्टिस्ट जॉर्ज पेरेज ने। टीन टाइटंस टीम मेंबर्स को कई बार चेंज किया गया, लेकिन ज्यादातर इसके मेंबर्स टीनेजर्स ही होते हैं। टीन टाइटंस के फाउंडिंग मेंबर हैं किड फ्लैश, एक्वालैड और रॉबिन, जो हमें पहली बार नजर आए थे 1964 में आई कॉमिक बुक द ब्रेव एंड द बोल्ड नंबर 54 में, लेकिन इन्हें यह नाम दिया गया द ब्रेव एंड द बोल्ड नंबर 60 में, जिसके बाद इस टीम में वंडर गर्ल को भी शामिल किया गया। तो चलिए अब करते हैं टीन टाइटंस के बारे में डिटेल में बात। पिछले कुछ सालों में डीसी ने टीन टाइटंस को कई बार कैंसिल और रीलॉन्च किया, जिसके चलते हमें बहुत से न्यू कैरेक्टर्स भी इस टीम में देखने को मिले, जैसे स्पीडी, एक्वा गर्ल, बम्बलबी, हॉक, डव और हार्ली क्विन। ये वो हार्ली क्विन नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये उससे अलग है। असल में इस हार्ली क्विन को पहली बार बैटमैन फैमिली कॉमिक बुक सीरीज में जोकर की डॉटर के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद वो कभी क्लेम करती है कि वो कैटवुमैन की डॉटर है, तो कभी स्कैरक्रो और कभी रिडलर और कभी पेंगुइन की, लेकिन असल में उसका नाम ज्वेला डेंट होता है, जो हार्वी डेंट यानी टू फेस की डॉटर है। टीन टाइटंस के तीन ऐसे भी मेंबर थे जो कोई सुपर हीरो सूट नहीं पहनते थे, जैसे बॉक्सर मेल डंकन, साइकिक लिलिथ और केवमैन। जैसे मैंने पहले बताया कि टीन टाइटन सीरीज 1980s में जेन्युइनली हिट हुई, जब इसे द न्यू टीन टाइटन्स के नाम से रीलॉन्च किया गया। इस सीरीज में ओरिजिनल टाइटन्स थोड़े बड़े हो चुके थे, जिसमें हमें साइबॉर्ग, स्टारफायर, रेवन और डूम पेट्रोल फॉर्मर मेंबर बीस्ट बॉय को भी दिखाया गया। इस सीरीज का क्रिटिकली और कमर्शियली हाई पॉइंट था द जूडस कॉन्ट्रैक्ट स्टोरी लाइन। 1990s में हमें टीन टाइटन्स की एक नई टीम देखने को मिली, जिसमें सभी कैरेक्टर्स एकदम नए थे। ये सीरीज लेट 90s से अर्ली 2000 तक चली, और इन स्टोरी लाइन में हमें एकदम डिफरेंट कैरेक्टर्स देखने को मिले, जैसे रॉबिन 3, वंडर गर्ल 2, किड फ्लैश 2 और सुपर बॉय, जिनमें से कुछ को हम यंग जस्टिस सीरीज में भी देख चुके थे। आगे चल के इस टीम में मिस मार्शियन, रेवेजर, सुपर गर्ल, किड डेविल और ब्लू बीटल 3 को भी ऐड किया गया। साथ ही साथ डीसी ने टाइटन सीरीज को भी लॉन्च किया, जिसमें हमें 1980s के ओरिजिनल मेंबर्स जो अब बड़े हो चुके हैं वो देखने को मिले, जिन्हें लीड करता था डिक ग्रेसन, जो अब रॉबिन की आइडेंटिटी छोड़कर नाइटविंग बन चुका है। 2011 में हुए द न्यू 52 रिबूट में हमें कुछ और न्यू फाउंडिंग मेंबर्स देखने को मिले, जिसमें सोलिस्टिस, बंकर और स्किटर शामिल थे, लेकिन ये सीरीज डीसी के लिए कमर्शियली और क्रिटिकली काफी डिसअपॉइंटिंग रही। इसके बाद 2016 में डीसी ने टाइटंस हंट और डीसी रिबर्थ स्टोरी लाइन को यूज किया, जिसके थ्रू ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स और उनकी हिस्ट्री को रीएस्टैब्लिश किया गया, जिसमें क्लासिक हीरोज टाइटंस के रूप में एक बार फिर रीयूनाइट हुए। साथ ही साथ हमें टीन टाइटंस की एक और टीम देखने को मिली, जिसमें एक्वालेट 2 और किड फ्लैश 3 के साथ साथ ओरिजिनल स्टारफायर, रेवन और बीस्ट बॉय भी थे, जिन्हें रॉबिन 5 लीड कर रहा था। टीन टाइटंस को कॉमिक बुक के अलावा एनिमेटेड और लाइव एक्शन सीरीज में भी अडेप्ट किया गया। कार्टून नेटवर्क पे अर्ली टू मिड 2000 के एनिमेटेड सीरीज और उसके डीसी नेशन स्पिन ऑफ टीन टाइटंस गो से ये टीम और भी पॉपुलर हो गई, और इन दोनों ही सीरीज में हमें रॉबिन, स्टारफायर, साइबॉर्ग, रेवन और बीस्ट बॉय एज अ प्राइमरी मेंबर्स दिखाए गए। इसके बाद 2018 में डीसी यूनिवर्स पे हमें एक लाइव एक्शन टाइटन सीरीज भी देखने को मिली, इसमें भी इन्हीं मेंबर्स को दिखाया गया, लेकिन आगे चल के सुपर बॉय और वंडर गर्ल को भी ऐड किया गया। टीन टाइटन्स के सुपर विलन्स या फिर रोग गैलरी भी काफी बड़ी है, जिसमें हमें डेथ स्ट्रोक, ट्राइगोन, इविल ऑर्गेनाइजेशन हाइव और ब्लैक फायर जैसे सुपर विलन्स देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।